नाव ले चलें हम आपको एक ऐसे सफ़र में जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, पर क्या पता आज आप उसे महसूस भी कर लो। वेलकम टू तारमा वैली। सो पार्ट वन में आपने देखा कि कैसे हम लोग बच्चों के साथ पिथौरागढ़ से धारचूला तक गए, और फिर धारचूला से कैसे हम लोगों ने दुकतू तक का सफ़र तय किया। सफ़र बहुत लंबा था, कठिन था, पर वो आपने कहावत सुनी है ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। और ऐसे ही मज़े करते करते हम फाइनली पहुँच गए दुकतू, जो कि है दारमा वैली में। हम दारमा तो पहुँच गए, पर मंजिल अभी हमसे काफ़ी दूर थी, और उसी की कहानी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, कहाँ थे हम? इन वादियों के बीच में। एक चीज जो हमें ये जर्नी शुरू करने से पहले ही पता थी कि हमें रात गुजारनी थी दुकतू में, और अगले दिन हमें जाना था पंचाचूली की तरफ। तो जैसे ही हम लोगों ने अपना सामान उठाया और गांव के अंदर एंटर किया, वहां से निकले बड़े बड़े शेर जैसे भोटिया कुत्ते, द हिमालयन शीप डॉग। Fearless and extremely territorial. तो ये कुत्ते मक्का और गोष्ठी को बिना लड़ाई के अपने गांव में रहने दें, ये तो पॉसिबल था नहीं। तो हमने सोचा भलाई इसी में ही है कि यहाँ से उठो और अपनी मंजिल की तरफ चलते बनो। We have started our journey. So the boys are with us. All the guys are here. Awesome. ये छाता में नीचे लोग दिख रहे हैं? हाँ ये, हाँ ये अब जो फ्रेम में आए, हाँ ये वाले। ये हम कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं ट्रिप की, हम बस ये जुगाड़ लगा रहे हैं कि सबसे सस्ती दारू कहाँ मिलेगी। ज़रूरी है भाई, हम जिम्मेदार लड़के हैं। जा रहे हैं दुकतू से बेस कैंप, और बेस कैंप है यहाँ से 2 घंटा दूर। बारिश हो रही है, और साथ में देखो हमारे हमारे रखवाले मैक्स और गोस्ट। खूबसूरत से पेड़ पौधे, बारिश से नहाई हुई वादियां। मन तो कर रहा था कि 2 पल रुक जाऊं और आराम से इसको निहारूं, पर वक्त ही ऐसा था, रुक नहीं सकते थे हम। तो हम चलते गए चलते गए चलते गए। पानी पिए, पीने पीने पीने। हाँ, एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि सारे सोर्सेस का पानी सही नहीं होता, कई सारों में जहर भी होता है, तो हमेशा अपने पोर्टर से पूछ के ही पानी पीना। और हाँ, पोर्टर से मुझे याद आया, मैं आपको पोर्टर भैया से तो मिलवाना भूल ही गया। तो ये थे हमारे पोर्टर भैया, यही थे जिन्होंने हमारा पूरा ख्याल रखा था पंचाचूली बेस कैंप में। और हाँ, इनका डॉगी भी था साथ में, जिसका नाम कालू था। उसके बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो चढ़ाई भी बढ़ती गई, और जब चढ़ाई बढ़ती गई तो आपकी कुछ भाइयों की ना थोड़ी सी फट गई। भाई लोग आए दिल्ली से, फिटनेस लेवल 0, चलें से जा नहीं रहे, ऐसे ऑक्सीजन कम होती है यहाँ पे, तो जो भी चल नहीं पा रहा गोश्त को हमसे बांध दे रहे, तो गोश्त उनको खींच रहा है। फिटनेस लेवल तो 0 है, हीरो बनते हैं। हालत देखो इनकी, कैसा लग रहा है विकास, पट रही है? जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती गई, विकास और लक्कू की हालत हो गई टाइट, और हमारे गोष्ठी को मिल गई अपॉर्चुनिटी। गोष्ठ को खींचना इतना पसंद है कि उसने खींच के इनको कैंप तक पहुंचा दिया, वो भी अकेले। यो बॉय, आपने देखा होगा हस्की स्लेज खींचते हैं, अब देखो गोस्ट कैसे किसी यूजलेस सामान को खींचेगा। कम ऑन गोस्ट, आजा, कम ऑन, शाबाश, खींचो। यो हस्की, लुक एट दिस लार्ज। सो बदतमीजी देखना इनकी, मतलब लक्षित का फिर भी समझ में आता है। ये विकास को देखो,
नन्ही सी जान पे इतना सारा बोझ डाला हुआ है। यही होता है जब बटर चिकन और दाल मखनी खाओ ना सुबह शाम। गोश्त को देखना पीछे कितना फनी है, कैसे लारन को खींच खींच के, और गोश्त इतना एंजॉय कर रहा होगा ना, आई स्वेयर। काश मैं पीछे मुड़ के देखता तो मजा आता। अरे 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 कैमरा घुमाती है सज्जू, पीछे देखना था। अरे यार क्या दिखा दिया तूने। हाँ अब ठीक है, देखना जरा कैसे आ रहे हैं। लक्षित को खींच के सर आए वो, भाई साहब मजे आ गए। गोश्त के खींचने के बाद भी लक्कू के लिए चढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है। हमारा मक्कू इतना अमेजिंग है, सब लक्कू को छोड़ के आगे बढ़ गए, पर मक्कू उसका वेट कर रहा है। मैं उसे बुला रहा हूँ पर आ ही नहीं रहा है। वैसे सच बताऊँ तो मुझे भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि लक्कू की हालत कितनी ख़राब हो रही है, पर आप टेंशन मत लेना, लक्कू बिल्कुल आराम से पहुँच गया था। मस्ती मजाक और इस खूबसूरत रास्ते पे चलते चलते हमें पता ही नहीं चला कि 2.5 घंटे कैसे बीत गए और हम पहुंच गए अपने बेस कैंप। यार सौरभ मुझे कुछ व्हाइट टाइप का कुछ पॉड्स टाइप के दिख रहे हैं यार, वेस्टिंग पॉड्स। ओ वाओ, ओ वाओ, सो ऑसम मैन, सो ऑसम। व्यू इज लाइक वाओ, द व्यू इज लाइक वाओ, सी द व्यू फ्रॉम द पॉड्स। क्या जगह थी यार, मानो ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सपनों की दुनिया में हो। एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल दैट आवर आईज कुडंट बिलीव व्हाट वी वर सीइंग। सॉरी, बट सपनों की दुनिया से 2 मिनट के लिए बाहर निकलते हैं और काम की बात करते हैं। देखो बच्चे हमारे भीग गए थे, और कभी भी आप ऐसे ट्रिप में जाओ तो एक्स्ट्रा टाल लेके जाना बहुत ज़रूरी है, और मैं यही कर रहा हूँ। मैक्स को सबसे पहले सुखा रहा हूँ सो दैट उसको ठंड ना लगे। और जब हम यहाँ आए तो बहुत बारिश थी एंड दोनों डॉग्स हमारे भीग गए, सो गोस्टी इज फाइन। देखो कितना अच्छे से सो रहा है, ये तो उसी का टेम्परेचर है। ओह कैसे सो रहा है ना मेरे बेबी, थक गया बेचारा, बहुत मेहनत करी इसने, पर मजे भी आए होंगे इसे। और ठंड में देखो कैसे सो रहा है हीरो हमारा, गजब है भाई। एंड बट मैक्स को हम पूछ रहे हैं सो दैट ये बीमार ना पड़े, और इसलिए एक एक्स्ट्रा टाल हमने कैरी किया था। है मैक्स अच्छा रहते तो। क्या टाइम लैप्स है, पर मेरे ख्याल से ना ये टाइम लैप्स बनाने के लिए दोनों के दोनों फर्जी कन्वर्सेशन कर रहे होंगे। बट एनीवेज हु केयर्स, सारा काम निपट चुका है, बच्चे सूख चुके, सो चुके, उन्होंने खाना खा लिया, नाउ मस्ती चालू। कौन पिएगा इसको पहले? सामान मॉडम साहब, मॉडम सब साथ ही चेयर्स करेंगे। देखो ये है छंग, ये है यहाँ की लोकल बियर। आप में से कुछ लोगों को शायद पता हो, जिसको नहीं पता जब भी आप यहाँ आओ तो इसको ट्राई ज़रूर करना। थैंक यू, नहीं नहीं थैंक्स की ज़रूरत नहीं है यार, ये तो मेरा फ़र्ज होता है भाई के नाते। चलो यार। देखो लीक से तो अलग हूँ, पर मेरा बेबी मेरी गोद में सो रहा है, और चाहे दुनिया में कोई सी भी पार्टी हो वो मैं मिस कर सकता हूँ, पर मैं अपने बच्चे को उठा नहीं सकता यार। Then something happened which made this night the most memorable night of my life. गोस्टी कभी भी बेड में नहीं सोता, पर उस रात वो उठा और मेरे साथ आके बेड पे सो गया। एंड आई डोंट नो क्या था वो, 13,000 फीट पे जंगल के बीच में हिमालय के नीचे मेरे दो बच्चे और मैं, इतना ब्यूटीफुल मोमेंट मैंने आज तक कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। मेरा मन इतना भरा हुआ था इमोशन से उस समय पे कि पता ही नहीं चला मेरी आंखें कब लग गईं, और सुबह मैं उठा तो ये देखा।
दिस वॉज वन बिग सरप्राइज। कल तक कोहरा लगा हुआ था एंड हमें पता ही नहीं था कि सामने है क्या, और सुबह जब हमने ये देखा मानो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यार ये असली है कि नकली। इतना अमेजिंग लग रहा था सब देखने में। आपको ना होना पड़ेगा इस जगह पे इसको एक्सपीरियंस करने के लिए। पता नहीं मैं शब्दों में भी इसे कैसे बयां करूँ, काफ़ी देर से लिख रहा हूँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ। इसकी खूबसूरती, वो इमोशंस जो हमने वहाँ पे महसूस करे, वो एक्सप्रेस कर पाने थोड़े डिफिकल्ट हैं। पंचाचुली ने अभी अपने रंग दिखाने बंद नहीं किए थे हमें, सनराइज हुआ और सनराइज में जो खिल के निकली है पंचाचुली, वाह क्या नज़ारा था। अब आगे आने वाले सीन ध्यान से देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो खूबसूरती है ना, इट्स लाइक सेकंड टू नन। आई डोंट थिंक सो इसे सुंदर जगह मैंने कभी देखी, और आई होप कि कभी देखूंगी ना। पार्ट देखो यार, कितना ब्यूटीफुल है ये, अनरियल है। So we're just about to reach Panchachuli. Look at the view. Oh my god. Itne sare flowers. Wow. I've been to many places, but this is by far the most beautiful. And saath mein I have this amazing company of ghost. Ye to unmatched hai. I love you baby. Finally wo moment aane wala tha. Ghosty was about to experience snow for the first time. And we were about to reach Panchachuli base. You can imagine where we are. इसके नीचे पूरी खाई है, देखो। Fuck. So scary. So fucking scary. After 3 hours of walk, we've reached the snout point, जहाँ से नदी निकलती है glacier से, and You can see for yourself, क्या crazy है ये।
पता है यहाँ से बहुत दूर गलत और सही के पार एक मैदान है, वहां मैं मिलूंगा तुझे। इन हिमालयों को देख के मैं अपने ख्यालों में कुछ ऐसे डूब गया था, पर जब गोस्ट और मैक्स को मैंने भागते हुए देखा तो जैसे किसी ने मुझे जोर का थप्पड़ मारा हो और कहा हो, अबे उठ सेंटी मत हो। Trying to make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way. All the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. Stop. For the record. Price on y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. 86 all the hate, I won't get a ball today. Got lost in the bolognese, I'm flipping the bars, I'm flipping the flipping the flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage, I was wildin'. On record, off record deals, tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want the act, not the ghost. अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मैं यहाँ आया था हैप्पीनेस ढूंढने, और हाँ मुझे हैप्पीनेस मिल गई। मुझे खुशी मिली है इन हिमालयाज में, इन ब्यूटीफुल ग्रासलैंड्स में, और इन बच्चों में, ख़ास तौर से इन बच्चों में। मुझे पता है मेरी बात सुनते सुनते भी आप अभी स्माइल कर रहे हो, तो जब आप अभी स्माइल कर रहे हो इतने दूर बैठ के, जस्ट इमेजिन द हैप्पीनेस आई मस्ट हैव फेल्ट एट दिस मोमेंट। So, on this note, the Himalayan Husky, over and out. Stay happy, stay blessed. Been a little too nice to y'all. Now I got an up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. 86 all the hate. I woke in a ball today. Got lost in the bolognese. I'm flipping the bars. I'm flipping the flipping the flipping the on record. Record, I still count wins when they got it. On record, off record, I let them take advantage, I was wildin'. On record, off record deals, tell them talk to Colin for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost. For the record.